देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। छत्तीसगढ़ में सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल है। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होना है। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आने वाले हैं। इससे पहले ईडी ने छापे मारे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह कार्रवाई अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए है। वहीं कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती है यहाँ छापे पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस यूनिट को झारखंड चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। हम लोग झारखंड गए, सभी मंत्री और पदाधिकारी वहाँ गए। झारखंड चुनाव का परिणाम आने के कुछ दिन बाद छत्तीसगढ़ में आईटी आयकर विभाग का छापा पड़ा। दूसरा छापा तब पड़ा जब हम लोग असम चुनाव में गए थे। तीसरा छापा तब पड़ा जब लोग उत्तर प्रदेश गए थे। चौथा छापा हिमाचल प्रदेश चुनाव के समय पड़ा। हम लोग हिमाचल प्रदेश से लौटे और छापा पड़ा। अब जब कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि हो सकता है छापा पड़े और छापा पड़ ही गया। मुख्यमंत्री ने इस छापे को कांग्रेस महाधिवेशन को असफल करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस तैयारी में हैं कि भाजपा सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हम महाधिवेशन में असफल नहीं होंगे। आज जब लगातार ये रेड डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। इस रेड से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।